हेलो एवरीवन वेलकम टू सीएसएस सोसाइटी आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को कवर करेंगे तो हमारे पास होता है क्या है कि जब भी कोई भी डेटा जो सी डिमांड करता है अगर कैसे मेमोरी से अगर वो जो डेटा है वो कैसे मेमोरी के अंदर अगर अवेलेबल होता है इस केस में कैसे हिट हो जाएगा और अगर वो जो डेटा है वो कैसे मेमोरी के अंदर अगर अवेलेबल नहीं है इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कैसे मिस हो जाएगा कहने का क्या मतलब कि वो डेटा जो है हमारे पास कैसे के अंदर अवेलेबल नहीं है तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा कि मेन मेमोरी का जो भी जो भी डेटा जो सीपीयू एक्सेस करना चाह रहा था वो हमारे पास अभी कहाँ पड़ा हुआ है मेन मेमोरी में तो मेन मेमोरी से उस डेटा को हमें कहाँ लाना पड़ेगा सी कैसे मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा तो कैसे मेमोरी के अंदर का जो डेटा है उसको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा या उसको इरेज कराना पड़ेगा तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं मेन मेमोरी के डेटा को कैसे मेमोरी के डेटा के साथ क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं तो इस डेटा को रिप्लेस करने के लिए हम बहुत तरीके का रिप्लेसमेंट एल्बोरिदम का यूज करते हैं तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हमारे पास जनरली कहाँ पे यूज होता है जहाँ पे स्टोरेज हमारे पास कम होता है और हम कम डेटा को स्टोर करा रखे होते हैं और हमें क्या करना जब हम सीपीयू पी यू जैसे यहाँ पर कैसे मेमोरी जो है वो लिमिटेड है इसका साइज़ यहाँ हम मेन मेमोरी के सारे ब्लॉक या सारे डेटा या सारे इंस्ट्रक्शन को कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे कि मेन मेमोरी के कुछ एक पार्ट को कुछ मेमोरी के कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे कैसे मेमोरी में एसोसिएट करवाएंगे यूजिंग द मैपिंग टेक्निक और जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम डेटा को क्या करेंगे वापस से रिप्लेस करेंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है डिटरमाइन करेगा कि कोई भी आइटम या जो भी एलिमेंट है उसको क्या करना है रिप्लेस करना है कब रिप्लेस करना है जब हमारे पास जो रिसोर्स का जो रिसोर्स है वो लिमिट है या स्पेस जो है लिमिट है जैसे हमारे पास यहाँ पे कैसे मेमोरी के अंदर जो है स्टोरेज क्या है लिमिट है हम यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट टेक्निक के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दूसरा हमारे पास एल आर यू लिस्ट रिसेंटली यूज तीसरा हमारे पास ऑप्टिकल रिप्लेसमेंट और चौथा हमारे पास लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे लेकिन जनरली हमारे पास तीन मेन टेक्निक है जो कि फ़ीफो एल आर यू एंड ऑप्टिकल रिप्लेसमेंट तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फीफो क्या है फीफो जो है जनरली क्यू के बेसिस पे काम करता है अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्यू पढ़ा है, तो आपको पता होगा तो फीफाइल अगर जो है रिप्लेस करता है जो भी ओल्डेस्ट आइटम जो है इसके अंदर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे हमारे पास जो डेटा है वो ये है जीरो टू वन सिक्स फोर जीरो वन इस तरीके का हमारे पास एक नई रिफ्रेंस स्ट्रिंग ले रखे हैं या हम बोल सकते हैं ये मेन डेटा है हमारे पास मेन मेमोरी में अब इसको क्या करना है कैसे मेमोरी के साथ एसोसिएट कराना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जीरो है टू है वन सिक्स फोर इस तरीके तो से तो सबसे पहले हमारे पास जो सीपीयू जो है वो जीरो का अगर एक्सेस करना चाह रहा होगा तो हमारे पास उस समय कैसे मेमोरी खाली पड़ा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इस समय हमारे पास क्या पुट कर दिए हम कैसे मेमोरी के अंदर जीरो तो जब सी पी जीरो को एक्सेस करना पड़ रहा होगा तो इनिशियली हमारे पास जो कैसे मेमोरी वो खाली है तो इस केस में क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा यहाँ जो एम है वो मिस है या हम बोल सकते हैं पेज फॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में यहाँ पे पेज फॉल्ट बोलेंगे और एच जो है हमारे पास हिट है कहने का क्या मतलब है मिस करने का मतलब क्या है कि अगर सी पी यू जीरो को अगर एक्सेस करना चाह रहा है और उस समय उस स्टोरेज यूनिट में जीरो अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या हो गया मिस हो गया जैसे अब सेकेंड वो ही टू को ही एक्सेस करना चाह रहा है लेकिन टू तो हमारे पास नहीं है तो फिर हम क्या कर देंगे पहले जीरो फिर हम टू को पुट कर देंगे और सेकेंड वाले केस में भी क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा फिर सी किसको एक्सेस करना चाह रहा होगा वन को तो अगेन जब वन को एक्सेस कर रहा होगा उस समय तक तो वन हमारे पास नहीं है तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा फिर हम उस पे उस पेज में क्या कर देंगे वन को ऐड कर देंगे फिर CPU किसको ऐड एड एक्सेस कर रहा है सिक्स को तो अगेन हमारे पास सिक्स अवेलेबल नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे इसके फोर्थ केस में भी हमारे पास क्या हो जाएगा मिस मिस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सिक्स सिक्स नंबर जो डेटा है सिक्स तो वो अवेलेबल नहीं था इस वाले में हमने इस इसमें भर दिया फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डेटा जो है फोर आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर जो स्टोरेज है वो तो पूरा भर चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी डेटा में जो हमारे पास ज़ीरो है टू है वन है सिक्स है इन सभी में जो जो हमारे पास जो ओल्डेस्ट डेटा है ओल्डेस्ट करने का मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है हमारे पास जीरो है, तो जीरो को हम रिप्लेस कर देंगे किससे फोर से तो इस वाले पेज में हमने क्या किया फोर को रिप्लेस कर दिया बाकी एज इट इज आ जाएगा टू आ जाएगा जा, वन आ जाएगा जा, सिक्स आ जाएगा जा। और क्योंकि इस वाले केस में हमारे पास फोर अवेलेबल नहीं था तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा मिस हो जाएगा फिर आ जाते हैं अगर जीरो एक्सेस हो रहा होगा तो जीरो इस केस में हमारे पास है नहीं है तो अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास मिस हो मिस हो जाएगा पेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमारे पास मिस आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास जो सेकेंड ओल्डेस्ट है पहला ओल्डेस्ट तो ये हो गया सेकेंड ओल्डेस्ट कौन हो जाएगा हमारे पास टू हो जाएगा तो इसमें से हम टू को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ जीरो के साथ हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया फिर हम एक्सेस कर रहा होगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वन तो यहाँ पे वन है इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा हिट हो जाएगा कहने वालों क्या है कि वन नंबर जो डेटा है वो हमारे पास क्या है अवेलेबल है फिर नेक्स्ट आ जाएगा जीरो जीरो इस केस में है हाँ हा, हमारे पास जीरो अवेलेबल है तो ये भी क्या हो जाएगा ये वाला भी केस क्या हो जाएगा हिट हो जाएगा फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास थ्री थ्री इसमें है थ्री नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा रिप्लेस करना पड़ेगा तो हम सबसे जो ओल्डेस्ट है अब जीरो हमने रिमूव कर चुका है टू रिमूव कर चुके हैं वन तो अब हमारे पास नेक्स्ट ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा वन हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे वन को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे किसके साथ थ्री के साथ रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास इस वाले केस में भी क्या आ जाएगा मेरे आ जाएगा नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेटा जो है हमारे पास है वो, वो है वन तो अब हम देखते हैं वन इसमें अवेलेबल है नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा ये भी केस हो जाएगा मिस का और फिर हम क्या कर देंगे जो भी ओल्डेस्ट डेटा है उसको क्या कर देंगे रिप्लेस तो यहाँ से हम जीरो को रिप्लेस कर देंगे उसके बाद कौन था टू सा था सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फिर था वन था फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा सिक्स सिक्स नंबर जो डेटा है उसको क्या कर देंगे यहाँ से हम रिमूव कर देंगे रिमूव करने के बाद ये हम बोल सकते हैं उसको क्या कर देंगे वन से रिप्लेस कर देंगे फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम टू के लिए टू हमारे पास इसमें अवेलेबल है नहीं है तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ओल्डेस्ट होगा वो कौन सा है फोर है तो फोर को हम यहाँ किसके साथ रिप्लेस कर देंगे टू के साथ फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्यों हमारे है, पास वन तो यहाँ वन यहाँ पे अवेलेबल है हाँ है तो इस केस में क्या हो जाएगा हिट हो जाएगा तो अगर हम इस वाले केस में अगर हम पेज फॉल्ट रेशियो या हम बोलते हैं मिस रेशियो अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मिस रेशियो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मिस जो भी केस में अपियर हुआ होगा इस एग्जांपल में अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेज तो टोटल नंबर ऑफ पेज हमारे पास कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो हमारे पास टोटल पेज कितना हो गया हमारे पास ट्वेल्व हो गया नंबर ऑफ मिस अगर हम काउंट करें तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नंबर ऑफ मिस कितना हो गया नाइन तो नाइन अपॉन ट्वेल्व कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ गया अगर हम हीट रेशियो को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हीट रेशियो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हीट अपॉन में टोटल पेजेस तो टोटल पेज हमारे पास ट्वेल्व था और हीट यहाँ पे कितना हुआ है तीन तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री अपॉन में ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव तो इस वे में हमारे पास कौन सा पहला रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को हमने कवर कर लिया जो कि क्या था फीफो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एल और ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट डेट्स ऑल थिंग